खबर बैतूल से, जहां सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मर्चुरी में शव को बंद पड़े फ्रीजर में रख दिया गया। युवक के परिजनों ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी इस पूरे मामले में की जा रही है। तो बैतूल से इस वक्त ये बड़ी खबर है, सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहाँ पर मर्चुरी में बंद पड़ा हुआ फ्रीजर था जिसमें शव को रख दिया जाता है। युवक के परिजनों को इसकी जानकारी मिलती है, जब उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा उसके बाद परिजनों ने नाराजगी भी जताई है, साथ ही साथ कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। तो परिजनों का गुस्सा साफ तौर पर यहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए फ्रीजर बंद पड़ा हुआ था, उसके बाद वहां पर शव को रखा गया। ऐसे में लाजमी है कि परिजन नाराज होंगे और अब उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये रात को हमने बॉडी लाई है और इन्हें बोले फ्रीजर में रख रहे हो, रात भर से बॉडी ये बंद फ्रीजर में पड़ी है और ये भैया बोले इसमें कुछ नहीं है बोले, और हमने इनसे पूछा खोलो कि हमने रात को रखे गए थे तो ये बंद फ्रीजर में रखे सर ने। और बताओ ये ऐसा इंसाफ कैसे चलेगा सरकारी हॉस्पिटल में सर, और ये फ्रीजर चालू है इनमें भी है और ये देखिए ये बंद फ्रीजर में हमारी बॉडी रखी है रात भर से सर। श्रीमान जी हमको न्याय दिलाइए, ऐसे में कैसी लापरवाही चलेगी सरकारी हॉस्पिटल में, इन पर केस लगाइए सर। डॉक्टरों पे जो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहा कर्मचारी, ये फ्रीजर बंद है, इनको सुधराओ कम से कम, इतनी तो कर रहा हूँ। रात को 12 बजे की बात है, बताओ 12 बजे से रात को बॉडी बंद फ्रीजर में रखेंगे तो ऐसे में कैसे काम चलेगा बताओ। और ड्यूटी चाचा की हमारे, तो बैतूल से ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मृतक है उनके परिजन यहां पर तस्वीर बयां कर रहे हैं कि सरकारी सिस्टम के क्या कुछ हालात है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सरकारी सिस्टम में आखिर ये लापरवाही क्यों? देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सभी सरकारी अस्पताल हैं जो वहां पर मर्चुरी वार्ड में ये इस तरह की फैसिलिटी दी गई है, लेकिन इस फैसिलिटी को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को दी गई है उसमें ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर लगभग 3 से 4 फ्रीजर खाली पड़े हुए थे और ये सभी चालू थे, लेकिन रात में इसके बावजूद इस मृत शरीर को खराब फ्रीजर में रख दिया गया और सुबह जब इसे बाहर निकाला गया और परिजनों ने बॉडी की हालत देखी उसमें से काफी बदबू भी आने लगी थी तो परिजनों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, काफी हंगामा भी वहां पर मचाया गया। फिलहाल शिकायत अधिकारियों के पास पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ऋतु, अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पर? इस अस्पताल प्रबंधन का जिस तरह के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन इस गंभीर मामले को लेकर कोई भी अधिकारी ऑन कैमरा बोलने को कुछ तैयार नहीं हुआ। लेकिन ऑन ऑफ द रिकॉर्ड अगर अपन बात करें तो अधिकारियों का यह कहना है कि फ्रीजर खराब होने की जो जानकारी है उनको नहीं दी गई थी और उन्हें नहीं पता था कि ये फ्रीजर इसमें खराब है, और आज जैसी जानकारी लगी है तो जांच के आदेश भी दिए हैं, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और फ्रीजर सुधरवाने की व्यवस्था की जाएगी। ऋतु, आप सब लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैतूल से खबर थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ये तस्वीर सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करती हुई, बंद ये फ्रीजर था जिसमें शव रख दिया जाता और उसके बाद परिजनों ने नाराजगी जताई है, साथ ही साथ कार्रवाई की मांग यहां पर की है।